बहुत पुरानी बात है, एक गांव में सुखी संपन्न परिवार रहते थे। उसके घर के पीछे एक पेड़ था जिसपे एक कबूतर अपना घोंसला बना के रहा करता था। उस परिवार के लोगों ने एक बकरी पाल रखा था और एक मुर्गा भी पाल रखा था। उनका जीवन सुखी संपन्न चल रहा था, उनके जीवन में कोई भी हलचल नहीं था। लेकिन अचानक से न जाने कहां से उनके घर में एक चूहा आ गया और वो चूहा उपद्रव मचाने लगा। कभी उस अनाज को खा जाता, कभी उस बोरा में छेद कर देता, इत्यादि प्रकार से उन लोगों को वो चूहा परेशान करने लगा। परेशान होते हुए देख उनके परिवार के मुखिया ने सोचा कि हम इसको क्यों न मार डालें या इसको पकड़ ले। उसको पकड़ने के लिए वो दुकान गया और दुकान से एक चूहादानी ले आया और चूहादानी ला करके रख दिया। उस चूहादानी को देखकर चूहा बहुत ही डर गया और डर से वो सोचा कि कौन अब मेरा मदद करेगा, हम कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले वो उस कबूतर के पास गया जो उसके घर के पीछे रहता था। उस कबूतर से जाके बोलता है, कबूतर भैया, कबूतर भैया, मेरे पे मुसीबत आ गया है, घर के मालिक ने चूहादानी ला दिया है, अब तो हम उसमें फंस जाएंगे, आप मेरी मदद करो। कबूतर से इस तरह से गुहार लगाने लगा चूहा। उनकी बातों को सुनने के बाद कबूतर बोला, कबूतर ने जब चूहे का मजाक बनाया, उसकी मजबूरी का मजाक बना के रख दिया, तो चूहा बहुत ही उदास हो गया और उदास मन से वो मुर्गा के पास आया। उसको लगा कि शायद मुर्गा मेरा कोई मदद कर दे और मुर्गा से जाके बोला, मुर्गा भैया, मुझ पे मुसीबत आ गई है, कृपया मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। चूहे के बात सुनने के बाद मुर्गा भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने भी भरपूर मजाक बनाया। इतना मजाक बनाया कि चूहा एकदम से रोने लगा और रोते हुए वो फिर से हार माना नहीं और वो बकरी के पास पहुंच गया। उसको लगा कि अंतिम उपाय है, कहीं बकरी मेरी मदद कर दे तो मैं बच सकता हूँ। तो वो अंत में बकरी के पास पहुंचा और बकरी के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहता, बकरी भैया, बकरी भैया, कृपया मेरी मदद करो, मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आया है। इतना सुनने के बाद बकरी बोला, जब बकरी ने भी चूहे का सहायता नहीं किया और उसका मजाक बनाया, तो चूहा समझ गया कि कोई हमारा मदद अब करने वाला नहीं है और यह सोच करके चूहा वहां से भाग गया। चूहा भाग गया और रात में जब घर के मालिक ने चूहादानी लगा दिया और लाइट बंद करके सभी लोग सो गया, तो अचानक से चूहादानी झनझनाया और उस घर की जो रानी थी, यानी कि घर की जो मालकिन थी, वो उस चूहादानी को गई और पकड़ ली। उसको लगा कि शायद मूसा फंस गया है और जैसे ही पकड़ी उसमें एक काला नाग फंस गया था और उसने इसको डस लिया। घर के मालकिन को सांप जैसे ही डसा, पूरा घर में तहलका मच गया कि मालकिन को सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, चारों तरफ हल्ला हो गया। अब किसी तरह से उसकी जान बचाना है, कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए। तो उस पर उसके गांव के पड़ोस में ही एक सांप को के विष को निकालने वाला था, उसको जाकर के बुला के लाया। वो आया, देखा कंडीशन बहुत ही गंभीर था। वो कहा कि अब इसको बचने का एक ही उपाय है कि अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर कबूतर का मीट मिल जाए तब जाकर के इसका जान बच सकता है। अब लोग दिमाग दौड़ाने लगा कि रात में अब कबूतर कहाँ से आएगा, किधर से कबूतर लाया जाएगा। फिर घर के जो मालिक थे उनको ध्यान में आया कि हमारे घर के बगल में ही तो एक कबूतर रहता है, तो क्यों ना उसी को ही पकड़ लिया जाए। और झट से गया और रात में चूँकि कबूतर सो रहा था, गया और उस कबूतर को पकड़ लिया, उसको लाया और उसी से उस विष निकालने वाले ने पता नहीं क्या किया, इस तरह से उसका इलाज हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब घर की मालकिन धीरे धीरे ठीक होने लगी तो सुबह तक ये हल्ला हो गया कि मालकिन को सांप ने काट लिया था। यह सोच करके सभी लोगों ने उसे मिलने आ गया, सिर्फ गांव के लोग ही नहीं आए, उसके
जो रिश्तेदार थे, कुटुंब थे, वो सब भी आ गए देखने के लिए। और जब देखने के लिए आए तो ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो गए, पूरी तरह ठीक हो गए। जब पूरी तरह ठीक हुए तो जो लोग आए थे वो सब कहे कि भाई ठीक हुए हैं तो खुशी की बात है, चलो चलो आज कुछ अच्छा खाना बन जाए। तो घर के जो मालिक थे उसने क्या किया कि सबसे पहले कहा ठीक है आज मुर्गा चावल ही बनेगा, और उन्होंने उसी मुर्गा को कटवा दिया जिसने चूहे का मजाक बनाया था, उस मुर्गा को काट के सब लोग खा गया। इसके बाद सुबह का खाना खत्म। जब शाम हुई तो कहा कि भाई अब हम लोग जाएंगे एक बार और अच्छा खाना बन जाए। तो एक बार और अच्छा खाना में क्या बने, उसके पास एक बकरा था जिसने चूहे को खूब हंसा था, मजाक बनाया था, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। मालिक ने सोचा चलो एक बकरा है इसको भी काट के और बनाया जाए, इसी से आज पार्टी होगा। उसने क्या किया, उस बकरे को भी काट दिया और आराम से सभी लोग खा करके टल्ली हो गए।